हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज भी मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ जीके और जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के। तो अपना रिवीजन आप बेहतर तरीके से करिएगा, साथ ही साथ हमें वीडियो के एंड में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने इस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। एंड बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो आज के वीडियो के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति देने की बाध्यता संबंधित प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति पर स्वीकृति देने की जो बाध्यता है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब अगर हम बात करें कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो आप याद रखिए 1971 में। कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन जो भी विधेयक होंगे उस पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो आर्टिकल आप याद रखिए कौन सा आर्टिकल है आपका, 368। अमेंडमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था तो 1971 में हुआ था, ठीक है। तो और इसके साथ साथ इस विधेयक में एक चीज़ और होती है कि इस विधेयक में अगर स्वीकृति देने से राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यानी वो दोनों तरीके से बाध्य है लेकिन और अपने पास रोक भी नहीं सकता। यानी अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आता है तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, इस चीज़ के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी का प्रावधान किया गया था। 54वें संविधान संशोधन के तहत, 93वें संविधान संशोधन के तहत या फिर 92वें संविधान संशोधन के। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 92वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसी के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान को लागू किया गया था। तो अमेंडमेंट आप कौन से नंबर का याद रखेंगे, 52 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। अगर हम बात करें केंद्र और राज्यों की तो इसमें जो भी उनके शक्तियों में बंटवारे किए गए हैं वो जो है किस अनुसूची में उसका उल्लेख है, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो आप याद रखिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वैधानिक शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा 7वीं अनुसूची के तहत बताया गया है, ठीक है। और सूचियों के बारे में अगर हम बात करें तो सूचियाँ 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। अगर हम बात करें संघ सूची की तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य सूची की तो राज्य सूची में इस समय 61 विषय शामिल किए गए हैं। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो समवर्ती सूची में प्रेजेंट टाइम पर 52 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों तो सूचियों से रिलेटेड हो गए, और आपको अनुसूची याद रखनी है तो आप याद रखिएगा 7वीं अनुसूची, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 6 अगस्त 1951 को या फिर 6 अगस्त 1952 को। तो आप याद रखिए कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसको हम कहते हैं NDC। NDC भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को भी कभी कभी जो है NDC लिखा हुआ मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस परिषद की, तो ये ना तो संवैधानिक है और ना ही कोई संवैधानिक निकाय है। ये देश की पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं, जो फाइव ईयर प्लान होते हैं, ये उनका अनुमोदन करती है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो इस परिषद का, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी इस टाइम पर देते आते चले आ रहे हैं, कि अगर आपको अपनी वीडियो की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से करनी है, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक का जो है बिल्कुल भी एनालिसिस कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो की जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट में बनाई गई है। यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस से 2 सॉल्व पेपर एंड 3000 से भी ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे। तो ये बुक हम आपको प्रेफर करते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। अभी हमने बात की थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। 11 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, 13 अक्टूबर 1993 या फिर 14 अक्टूबर 1993। तो आप याद रखिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, उसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो क्या थी? 12 अक्टूबर 1993। क्या थी? 12 अक्टूबर 1993। और साथ ही साथ हम बात करें अगर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको डेट और मुख्यालय दोनों चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया। यानी अगर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया, 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 2014, 25 जनवरी 2011 या फिर 25 जनवरी 2009, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी 2011। मतदाता दिवस का आयोजन सबसे पहली बार 25 जनवरी 2011 में किया गया था, और उस टाइम पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उस टाइम पर तत्कालीन जो है राष्ट्रपति थी। और इन्हीं के टाइम में प्रथम मतदाता दिवस को 25 जनवरी 2011 को प्रारंभ किया गया था। और ये क्यों प्रारंभ किया गया था? कि भारत में जो मतदान होता है उसके प्रति जनता को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? तो अपने 61वें स्थापना दिवस पर इन्होंने मतदाता दिवस का जो है प्रारंभ किया था। और अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो निर्वाचन आयोग का गठन आप याद रखिए 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि संविधान के कौन से भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 12। भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें आर्टिकल की, कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आप वो भी याद रखिए, अनुच्छेद 268 से लेकर के अनुच्छेद 293 तक, ठीक है। अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। और अगर आपसे भाग पूछा जाएगा, तो वो भी आप याद रखेंगे, भाग 12 में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। और आज आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो हमेशा आपके एग्जाम में आने के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। पुंछी आयोग कई बार हमेशा हमसे एग्जाम में पूछता है कि कब इसका गठन हुआ था, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में या फिर वर्ष 2008 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। वर्ष 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अब बात करें हम कि 2007 में कब, तो 2007 में अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने
केंद्र राज्य संबंधों के लिए उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व यानी जो उस टाइम पर 2007 से पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, कौन? मदन मोहन पुंछी, उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग को गठन किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुंछी आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वो भी आप याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन? मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे कह रहा है कि राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था। राजमन्नार समिति आपसे पूछ रहा है कि राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था, 1968 में, 1969 में, 1970 में या फिर 1972 में। तो आप याद रखिए कि जो राजमन्नार समिति है उसका गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें राजमन्नार समिति की, तो तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार, कौन? डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में जो है ये राजमन्नार समिति का गठन किया था। और इन्हीं का, और इसके बारे में सरकार कभी कभी पूछ लेता है कि राजमन्नार समिति जो है किस सरकार से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार से। ठीक है, तमिलनाडु सरकार से राजमन्नार समिति जो है रिलेटेड है, और किसकी अध्यक्षता में, तो वो भी हमने आपको बता दिया, वीपी राजमन्नार। किसके अध्यक्षता में? वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये आपको बताना है। एंड आई होप कि इसका आंसर सबको पता होगा, राज्य को, केंद्र को, या फिर केंद्र और राज्य दोनों को। तो आप याद रखिए कि जहाँ भी हमें जो है अवशिष्ट विषय का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? केंद्र, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये शक्ति है कि वो अवशिष्ट विषयों पर क्या करे, कानून बनाए। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है, और इसके बारे में भी बताया जाता है। इस विषय में जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद यानी केंद्र के पास है। और अगर हम बात करें कि अवशिष्ट शक्तियों के जो ये सारे प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो आप ये भी याद रखिए कि अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई है। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की, तो आपसे पूछ रहा है कि किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। राजमन्नार समिति आयोग के अनुशंसा पर, या फिर पुंछी आयोग के अनुशंसा पर, या फिर सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की ही अनुशंसा यानी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, जो संविधान का भाग 11 है, कौन सा? संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो देखने को मिलेंगे। तो भाग आप याद रखिएगा 11, अनुच्छेद याद रखिएगा 263, किसकी अनुशंसा या किसकी सिफारिश पर, तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में से इन तीनों में से कौन सा ऐसा विषय है जो कि शामिल नहीं है, शिक्षा, भूमि या फिर परिवार नियोजन। तो आप याद रखिए कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है, भूमि। भूमि का जो विषय है वो जो है राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो आप साथ में ये भी क्लियर रखिए। और अभी हमने आपको बताया कि समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं इस टाइम पर, तो 52 विषय हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा आयोग है जो केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है, पुंछी आयोग,
दांते वाला आयोग या फिर सरकारिया आयोग। तो आप याद रखिए कि जो दांते वाला आयोग था वो जो है केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित नहीं है। अब अगर हम बात करें कि दांते वाला जो आयोग है वो किससे संबंधित है फिर, तो ये जो है बेरोजगारी से संबंधित था। किससे संबंधित था? बेरोजगारी से संबंधित था, ना कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। बाकी अगर आप बात कर लें पुंछी आयोग की, सरकारिया आयोग या फिर राजमन्नार आयोग, तो ये जो तीनों आयोग थे ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, लेकिन दांते वाला आयोग जो है बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, 2007 में हुआ था। क्लियर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि केंद्र राज्य संबंधों की, तो सरकारिया आयोग जो था, सरकारिया आयोग का आयोग की स्थापना या गठन की बात करें ये कब हुई थी, तो ये जो है 1983 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। कौन से वाद में न्यायालय ने कहा था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती मामले में कहा था, 24वें संविधान संशोधन में कहा था, या फिर गोलकनाथ मामले में? तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ मामले में। गोलकनाथ मामले में जो कि पंजाब राज्य के, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था, कब का था, 1967 का ये मामला है। इसी मामले के अंतर्गत 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, कितने न्यायाधीश है उसमें, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये डिसीजन लिया था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी। तो आप याद रखेंगे कौन से मामले में, गोलकनाथ मामले में, और ये किससे बनाम में था, यानी किसके वसेज में था, तो पंजाब के, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के में था, और कब हुआ था, 1967 में। कितने न्यायाधीशों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था, तो आप याद रखेंगे 11 न्यायाधीशों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा लघु संविधान, या फिर कभी आपसे पूछ लिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप याद रखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है संबंधित है। इसे ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। और ये किस सन में हुआ था, तो आप याद रखिए 1976 में। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ये संविधान अभी तक पारित जितने भी संविधान संशोधन है उन सबसे बड़ा और विस्तृत था। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी कि इस संविधान संशोधन में कितने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, तो आप समझिए कि 52 टोटल ऐसे अनुच्छेद थे जिनमें कि संशोधन किया गया था इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया गया। साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना में भी इस संविधान संशोधन के तहत ही कुछ नए शब्द जुड़े थे। वे शब्द कौन कौन से थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, क्या राष्ट्रपति संविधान विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो भी संविधान का संशोधन का प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास, उसे संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं रोक सकते, यानी संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। राष्ट्रपति उस संशोधन विधेयक को रोक सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर विशेष बहुमत मिलती है तो राज्य जो है इस अनुमोदन को देने से इनकार कर सकता है, लेकिन राज्य भी उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस अनुमोदन को रोकने से इनकार कर सकता है। और राष्ट्रपति तो संविधान संशोधन विधेयक को ना तो रोक सकता है और ना ही उसे पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी, यानी कौन से मामले में 24वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसको चुनौती दी गई थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ। तो आप याद रखिए कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला हुआ था, इसमें जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी, ठीक है। और इस मामले में न्यायालय के निर्णय के अनुसार, यानी जो डिसीजन निकला था, 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये चीजें हमें किसमें बताई गई थी, गोलकनाथ वाद में, या फिर बेरुबारी वाद में, या फिर केशवानंद भारती वाद में। तो आप याद रखिए कि केशवानंद भारती वाद जो हुआ था, इसी के तहत ये निर्धारित किया गया था कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी जो आधारभूत संरचना है उसमें वो किसी तरीके का संशोधन नहीं कर सकती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है, यानी अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है, एक प्रकार, दो प्रकार, या फिर तीन प्रकार। तो आप याद रखिए कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन में दो प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के बारे में, दो प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे कि वो दो प्रकार हैं कौन कौन से। तो पहला जो आपका प्रकार आता है वो है विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से। और दूसरा जो प्रकार होता है वो है कि विशेष मत और आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी अनुमोदन या सिफारिश पर। ये दो प्रकार जो है पाए जाते हैं, और ये दोनों प्रकार हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। प्रक्रिया आप याद रखिएगा कि कितने प्रकारों का वर्णन, दो प्रकारों का वर्णन, और किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें 367 की, यानी 367 जो दिया हुआ है, 367 में निर्वाचन के बारे में उल्लेख है, निर्वचन के बारे में उल्लेख है। और अगर हम बात करें 369 की, तो 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति को बताया गया है। और 370 की अगर हम बात कर लें, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, जो कि अभी हाल फिलहाल में हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, 2020 है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों को, जस्ट अ मिनट, संविधान सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, या फिर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या फिर न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम पूरा नहीं होता है। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है, जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। और अब आते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में, प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति के पास में, या फिर संसद के पास में। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कर सकता है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में बताया गया, तो ये आपको दिखेगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत का, कहाँ पे, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये आपको दिखेगा। तो आई होप कि आज की जो हमारी ये वीडियो है ये आपको पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।